अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर मिश्र टोला दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीर चक दरभंगा, दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। कुशेश्वर थाना के नदियामी गांव में देर रात एक शादी समारोह में 3 मनचले शराब पीकर शादी में घुस गए, जिनका नाम सत्तोष सिंह, अमित सावंत सिंह, 3 नशे के हालत में थे। शादी में घुसकर उन्होंने गोलियां चला दी। इस घटना में एक महिला और एक मोहम्मद कमरूल नाम के शख्स को गोली लगी। शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज दरभंगा DMCH में चल रहा है। उसके परिजन नवीन सिंह ने बताया कि अचानक 3 जो शराब से जुड़े हुए थे अचानक आकर शामिल हुए और गोली चला दी। ये घटना हमारे गांव में, नदियामी गांव में एक शादी थी लड़की की, वहाँ पे दरवाजा वगैरह लगा, जयमाला हो रहा था, पूरे समाज के लोग थे, जयमाला पंडाल के अंदर हो रही थी, बाहर में समाज लोग थे, लेडीज लोग गांव के सब थे, जमा हुए, पीछे थे 2-3 लड़का लोग आए थे, वहाँ पे 4-5 लेकिन 3 लोग वहाँ आए और पीछे थे फायरिंग करने लगे। फायरिंग करने के बाद 5 राउंड फायरिंग किया गया, जिसमें 3 गोली को आकाश फायरिंग किया और 2 फायरिंग नीचे किया, जिसमें एक कमरूल, मोहम्मद कमरूल है, उसको गोली लगी कमर के ऊपर, और एक लेडीज है सरस्वती देवी, जिनको कमर के नीचे में गोली लगी। गोली चलाने के पीछे क्या मतलब? ये गोली चलाने के पीछे तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको जैसा लग रहा है कि वो लड़का लोग काफी दिनों से दारू वारू पीता है। दरभंगा में पुलिस लाइन में कोरोना टीकाकरण चल रहा है, जिसमें 900 से भी अधिक पुलिस कर्मियों ने टीकाकरण लिया है। वहीं बता दें कि दरभंगा के SSP बाबूराम आज पुलिस लाइन पहुंचे। उन्होंने कोविड वैक्सीन लेते हुए जनता एवं पुलिसकर्मियों को संदेश देते हुए कहा कि यह शरीर की न सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता बताता है, बल्कि कोरोना संक्रमण से लड़ने की भी शक्ति देता है। उन्होंने कहा कि आम जनता को अधिक से अधिक संख्या में आकर वैक्सीन लेना चाहिए। इस मौके पर DSP के साथ पुलिस लाइन के अधिकारी मौजूद थे। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में कुमार सुभेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता का खिताब समस्तीपुर के नाम रहा। शनिवार को फाइनल मैच में भागलपुर की टीम को 23 रनों से पराजित कर दिया। T20 के लिहाज से यह लो स्कोरिंग मैच रहा। टॉस समस्तीपुर के कप्तान ने जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, 9 विकेट पर 105 रन बनाने में सफल रही। वहीं दूसरी तरफ भागलपुर की ओर से चंदन ने 4 ओवर में 70 रन देकर 3 विकेट चटकाया। निर्धारित 20 ओवर में 23 रनों से भागलपुर की टीम को पराजित कर समस्तीपुर ने खिताब जीत लिया। इसके बाद यहां पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें विजेता को पुरस्कृत किया गया। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में 4 दिवसीय राजकुमार सुरेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में समस्तीपुर की जीत के बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जीते हुए सभी खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज परिवार द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता मील का पत्थर साबित होगा। इस बात को झारखंड के BCCI पूर्व सचिव अमिताभ चौधरी ने कही। उन्होंने कुमार सुभेश्वर सिंह के विषय में कहा कि एक बेहतर इंसान, मेरे मित्र थे। इस मौके पर राज परिवार के द्वारा सभी क्रिकेट खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया एवं उनके मनोबल को बढ़ाया गया। इस मौके पर कानूनी सलाहकार जगन्नाथ सिंह भी मौजूद थे। उनके नाम पर हो रहा है, जिनका योगदान बहुत चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन स्पोर्ट्स में जितने भी हम लोग पुराने टीम रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं,
याद है कि हम लोगों को बुला के किले के अंदर मैच होता था सप्ताह में दो दिन। मैच तो प्रत्येक दिन होता था, लेकिन प्रत्येक टीम को मौका मिलता था सप्ताह में दो दिन खेलने। समस्तीपुर पुलिस को एक बार फिर सफलता मिली है। जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र से दो विभिन्न स्थानों से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। गुप्त सूचना मिलने पर रोसड़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शहरियार अख्तर के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष सीताराम प्रसाद, एसआई अरुण हासद सहित कई पुलिसकर्मी मोबाइल मौजूद थे। रोसड़ा थाना क्षेत्र के गायघाट से छापेमारी टीम ने शराब से लदे एक पिकअप टेम्पो मोटरसाइकिल से कुल 86 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया। गायघाट है, वहाँ पे एक शराब व्यवसायी है जो पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है, तो उसी के शराब के आने की सूचना थी। तो करीब 700 कुछ लीटर जो है विदेशी शराब बरामद किया गया गायघाट के पास दुर्गा मंदिर, उसी के पास में खेत था, उसी में लगा हुआ था पिकअप गाड़ी। और फिर जैसे ही पुलिस बल पहुँची वहाँ पे जो कुछ शराब शामिल लोग थे जो उस पिकअप के साथ और मोटरसाइकिल के साथ आए। बिहार मैट्रिक की परीक्षा के चौथे दिन दोनों पालियों में सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा दरभंगा जिले के कुल 54 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त संपन्न हुआ। इस प्रकार कुल आवंटित 55,885 परीक्षार्थियों में से 54,912 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, कुल 973 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए हैं। इस बात की सूचना जिला प्रशासन के जनसंपर्क उप निदेशक ने देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा चौथे दिन सम्पन्न हुआ। रविवार को छोड़ सोमवार को परीक्षा होगा। पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय कक्ष में मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार की अध्यक्षता में पुलिस व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम मधुबनी के पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक सहित अन्य कई पुलिस अधीक्षक और पुलिस पदाधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। आयोजित इस बैठक में आईजी अजिताभ कुमार ने पुलिस की व्यवस्था से संबंधित बातों की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण, वारंटियों की गिरफ्तारी, लंबित कांडों का निष्पादन जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। राजकुमार सुभेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला शनिवार को भागलपुर व समस्तीपुर के बीच खेला गया। नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान लहरिया सराय में आयोजित पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भागलपुर ने पटना की टीम को 1 विकेट और दूसरे सेमीफाइनल मैच में समस्तीपुर ने मधुबनी को 18 रनों से पराजित किया। पटना की टीम ने 19.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 87 रन बनाया। सर्वाधिक 24 रनों की पारी भानु ने खेली। अंतिम ओवर में 9 विकेट खोकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते हुए भागलपुर की टीम कामयाब विजयी हुई। वही टीम के खिलाड़ी पप्पू सिंह ने सर्वाधिक 19 रनों की पारी खेली। सूर्य कुमार को शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। नगर निगम में बजट को लेकर महापौर की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई। सदन में निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। इसका फैसला आगामी बोर्ड में बैठक में होगा, लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध अभी से शुरू हो गया है। होल्डिंग टैक्स में 15% वृद्धि किए जाने से निगम क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। अस्थायी समिति की बैठक में भी एक पार्षद ने होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण आम लोगों की आमदनी में कमी हुई है। इस हालत के मद्देनजर कचरा प्रबंधन के नाम पर आवासीय और व्यावसायिक टैक्स को तत्काल स्थगित किया जाए। जब शहर के लोग कमाएंगे और टैक्स देने की स्थिति में आ जाएंगे तो हम उनसे टैक्स ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, इसलिए होल्डिंग टैक्स में वृद्धि और दंड प्रक्रिया पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।
लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर अब लोगों में भी परेशानी देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल खरीदने आए पेट्रोल पंप पर लोगों ने बताया कि पेट्रोल की जिस तरह से कीमत बढ़ रही है उससे कहीं न कहीं आम लोगों पर असर काफी पड़ रहा है। जहां एक तरफ लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से भारी नुकसान लोगों को झेलना पड़ा तो कई लोग अपने कामों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन बढ़ते पेट्रोल की कीमतों की वजह से इनके पॉकेट के साथ साथ इनके कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बाकरगंज सैदनगर मोहल्ला निवासी जयप्रकाश राउत पिता स्वर्गीय रघुनाथ राउत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लहरियासराय थाना में बंद कर दिया। शराब कारोबारी जयप्रकाश राउत के संबंध में बताया जाता है कि आरोपी काफी दिनों से शराब के धंधेबाजी में संलिप्त था और आखिरकार पुलिस के यह हत्थे चढ़ ही गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इसके घर पर छापेमारी किया एवं इसके घर से करीब 30 लीटर शराब जब्त कर लहरियासराय थाना लाया गया, साथ ही इस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मदरसा हमीदिया किला घाट के अध्यक्ष अमानुल्ला खान अल्लन ने मदरसा हमीदिया किला घाट के मामले पर अपनी ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर मदरसे पर हो रहे विवाद को लेकर बयान दिया। हमारे सिक्योरिटी मरे हैं, हमारी कमेटी भंग नहीं हुई है, सदर नहीं मरे हैं। हाँ, सदर के मरने से कमेटी भंग होती है, सदर को रिजाइन करने से कमेटी भंग होती है, ऐसा कुछ नहीं। किस बिना पे लेटर दिया उन्होंने, हमको इतना क्यों नहीं किया कि आपको ये भी तो लेटर आता कि आपको हटाया जा रहा है, सिबतुल्ला साहब को बनाया जा रहा है, कौन साहब को बनाया जा रहा है, ये भी तो हमको इन्फॉर्म होना चाहिए। हमारे पास कोई लेटर नहीं है तो हम कैसे समझे कि हम तो अभी हैं पद पे हैं, उस पद पे मदरसा हमीदिया किला घाट के जो है सदर हम हैं, हम कैसे मान लें कि हम नहीं, हमारे पास कोई लेटर नहीं है। कहते हैं डब्बू साहब की जो है टाइम बाउंड है, आप उनसे पूछिए कि आपके पास जो चिट्ठी। स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 200 एकड़ में फैले परिसर में जैव विविधता के संरक्षण एवं अध्ययन के उद्देश्य से एक छात्र केंद्रित प्रोजेक्ट का आज आरंभ हुआ। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 1 दिसंबर 2020 को हुआ था। कुलपति ने विभागाध्यक्षों को अपने पहले संबोधन में आउट ऑफ बॉक्स कार्य करने हेतु आह्वान किया था। इसी कड़ी में आज इस कार्य का शुभारंभ प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में चल रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आज समापन हो गया। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार को 4 सत्रों में बांटा गया था, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालय के विद्वानों ने अपने अपने विचारों को ऑनलाइन के माध्यम से रखा। इस बारे में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष ने कहा कि इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का विषय समाज विज्ञान में शोध पद्धति था, जिसमें ऑफलाइन के भी छात्र छात्राएं मौजूद थे जिन्होंने इस सेमिनार का लाभ प्राप्त किया। दरभंगा के हमीदिया मदरसा किला घाट में 16 साल के बाद नए अध्यक्ष मोहम्मद फकरे आलम एवं सचिव सैयद मोहम्मद शिवगतुल्ला ने अपने 5 नए सदस्यों के साथ पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के दौरान मौजूद लोगों ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं सचिव ने कहा कि हम 1 साल के अंदर ही इस मदरसे की कायाकल्प करेंगे और जो बन सकेगा वह हम अपने स्तर से भी करेंगे, साथ ही सरकार को भी इसमें सहयोग करने की बात कही। गौरतलब है कि यहां किसी प्रकार की अनहोनी न हो इसके लिए पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। हमको लगता है कि जिस दिन 18 तारीख को उन लोगों को जो चिट्ठी मिली थी उसके शाम में मैंने उनसे फोन करके कहा था कि आप आए वहाँ, हम इंशाल्लाह वहाँ पद मतलब ज्वाइन करेंगे तो आपकी मौजूदगी में होगा तो अच्छा लगेगा। शायद नहीं आए होंगे किसी वजह पर, लेकिन हमने तो दुआ भी की है कि अल्लाह ताला लोगों के दिल में ये देखे रहम दे और हम लोग की मदद करें। हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा यार वो, क्योंकि उन्होंने 16 साल का उनको एक्सपीरियंस है, हम लोग तो आज बने हैं तो बहुत कुछ सीखने के लिए उनसे मिल सकता है आपको अगर वो मदद करना चाहे यहाँ पे हम लोगों को लगेगा।
मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में उर्दू विभाग के द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का विषय उर्दू में पत्रकारिता की वर्तमान परिस्थिति पर था, जिसमें मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर प्रताप सिंह थे, जिन्होंने सेमिनार का उद्घाटन किया और आए हुए अतिथियों ने विषय वस्तु पर अपने विचार रखे। मदरसा हमीदिया को लेकर जहां एक तरफ डब्बू खान खुद को पदभार ग्रहण करते हुए अपने आप को अध्यक्ष साबित किया, तो दूसरी तरफ निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में अल्लन ने कहा कि अगर डब्बू खान अच्छे लोगों को शामिल करते हैं तो उन्हें खुशी से माला पहना दूंगा। अल्लन ने कहा कि पहले उनसे बात हुई थी कि वह सचिव बने, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह कर दिया। अब मदरसा हमीदिया को विकसित करने के लिए सभी को कार्य करना होगा।